ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ IFS ਅਫਸਰ TC ਨੋਟਿਆਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਨੋਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਮ ਅਭੀ ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री के आसपास ही हैं, पर ये बढ़ रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा और पराली के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे तो ये जो है ये 200 को पार कर सकता है, AQI को 200 पार कर सकता है। और यही चीज हमें देखनी है कि ये अगर पार न करे तो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन जिसे हम कहते हैं, नवंबर में गर्मी चली जाती है और ठंड आ जाती है, तो उसके कारण जो हवा बहती नहीं है, हवा चल नहीं रही होती तो डिस्पर्सल नहीं होता, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मौसम है। पर हम पराली का बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर पराली जलती है तो इस ठंड के आने के कारण वो डिस्पर्स नहीं होती और उस डिस्पर्स न होने के कारण हमारी एयर क्वालिटी खराब होती है। अब चंडीगढ़ में पराली भी नहीं है, पर चंडीगढ़ एक हरियाणा पंजाब से घिरा हुआ एक बहुत छोटा सा शहर है, 10x10 के ग्रिड का शहर है। तो हमारी जब हवा पूर्व की ओर बढ़ती है मान लीजिए, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा ये कहना है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भी कर सकते हैं। एक तो हम अपनी ग्रीनरी को ठीक रखें और दूसरा थोड़ी गाड़ियां कम चलाएं। भाई जब कहीं और से धुआं आ रहा है तो आपको अपनी तरफ से धुआं अगर ऐड ना करें तो अच्छा रहेगा। तो हम चाहेंगे अभी कि चंडीगढ़ के जो सिटीजन हैं ये फेस्टिव सीजन में जब किसी और से मिलने जाते हैं या कुछ करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें या पैदल जाएं, पास के मार्केट में जब सब्जी लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं तो साइकिल से जाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि कम से कम धुआं जनरेट हो, क्योंकि ऑलरेडी हवा में धुआं है तो हमें चाहिए कि हम कम से कम धुआं जनरेट करें। अच्छा सर, एक चीज समझनी चाहूंगा कि पिछले दिनों में जैसे 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 आगे पराली का जलना बढ़ेगा या जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो रफ्तार किस हिसाब से बढ़ रही है जो पोल्यूशन की, पिछले अगर हम 4-5 दिनों की बात मेरे करें? हिसाब से 18, 19 और 20, इससे पहले भी हम मॉडरेट में हैं। लगातार हम 14 तारीख से मॉडरेट में आ रहे हैं। मॉडरेट का मतलब है कि 100 से 200 के बीच में है। एकमात्र एक दिन था जिसमें 226 हमारा आया है, पर उसके बाद वो फिर कम आ गया है 20 तारीख को, 20 मतलब कल, ये 197 हो गया है। फिर से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, ऊपर नीचे होता रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 197 है कि 203 है, वो तो कैटेगराइजेशन है मेरे हिसाब से, पर ये 200 एक्सीड कर सकता है। अच्छा, एक चीज समझ जाऊंगा, कितने दिन होते हैं जेडे ये पूरे दे पूरे आप ला लिये कि इन्ने दिन दे अंदर अंदर दिक्कत आंदी है तो उस तो बाद बेशक धुआं होवे भी तो वह धुआं जड़ा है सानू तंग नहीं करता, पोल्यूशन है जड़ा वह फिर साडे लिए खतरनाक नहीं रहता? ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 15-20 दिन जब ठंड पूरी तरह से सेटल होती है, 15-20 दिन तो लगते हैं मान लीजिए अभी से लेके और अगले 15-20 दिन तक ये रहेगा, करीब 15 नवंबर के आसपास तक
आप ये देखेंगे कि सर एक चीज समझनी चाहेंगे कि अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर या हमारा वेदर ऐसा ना होता तब भी अगर पराली जलती तो उसका इफेक्ट इतना पड़ता, या वेदर के चलते जो हमारा यहाँ का वेदर है तो किस तरह से हमें ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किस तरह से अगर पराली जल रही है, अगर गाड़ियों का धुआं आ रहा है, तो ये क्यों हमारे यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? ये इस पर्टिकुलर वक्त में आप देखिए कि ये इंडो गंजेटिक प्लेन में है हम, तो ये सब हिमालयन रीजन है, सब हिमालयन रीजन में ये वाला जो प्रॉब्लम है ये यहां से लेके और बिहार बंगाल तक है, और ये इस ठंड में रहेगी। जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ी इस हवा को बढ़ा देता है, थोड़ी सी बारिश आती है और हवा चलती है, तो बारिश और हवा दोनों ही जो है वो पोल्यूशन को सेटल कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो नवंबर में जब कभी बारिश होगी तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो है मौसम फिर बेहतर हो गया। अच्छा सर, अगर ये जगह असी इस वेदर का सामना ना कर रहे होंगे, साडा वेदर जिहड़ा डिस्टर्बेंस दी तुसी गल कर रहे हो ये चीज ना होंगी, असी हिमालयन दे नाल नाल ना होंगे, तो फिर अगर पराली भी होंगी तो फिर इन्ना पोल्यूशन नहीं सी होना? बेसिकली ये नहीं मैं कहूंगा, पर इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाता। अगर मान लीजिए कि हवा चलती रहे, जैसी हवा नॉर्मल चलती है वैसी चलती रहे, तो वो डिस्पर्सल हो जाएगा और जो धुआं है वो फैल जाएगा। अभी मुश्किल ये होती है कि डिस्पर्सल नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पराली जलाना जो है वो अच्छी बात होगी। पराली जलाना तो फिर भी उतना ही गलत होगा, क्योंकि ओपन बर्निंग कहीं भी हो, किसी भी सीजन में हो, कैसे भी हो, वो जा तो वो हवा में ही रही है। तो पर यह है कि इतनी सीवियर सिचुएशन नहीं आएगी, फिर यह बात सही है।